Assalamualaikum members, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँगा आप सब खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों और अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। मैं शेख नईम और मेरे साथ मौजूद है फैज़ल। फैज़ल कैसी हैं? फायदा बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। और आज फायदा आपको सिखा रही है डॉल केक बनाना। सही है, डॉल केक बनाना यानी कि डॉल आप बनाए और ऑर्डर जो करता है क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा और हम इसको कलरफुल बनाएंगे यानी कि बेसिक व्हिप क्रीम होगी इसके अंदर हमारे साथ और व्हिप क्रीम के साथ हम इसको बनाएंगे। स्पंज रेडी कर चुके हैं, स्पंज की वीडियो ऑलरेडी डली हुई हमारी पेज पर, वहाँ से उठा के लिए शेयर कर देंगे, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा फायदा आज आपको सिखाएंगे डॉल केक बनाना जो कि बहुत ही ईजी है क्योंकि बेकिंग बहुत आसान है, सिर्फ करते हैं तो हम उसको मुश्किल कर देते हैं। कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले क्रीम को हिट करते हैं, फायदा क्रीम को हिट कर ले, उठाए क्रीम को डालते हैं हिट कर। हाफ के जी क्रीम तकरीबन हम इसमें व्हिप कर लेंगे। स्पंज काट लें अब आप। फायदा नाइफ से पहले इसको सीधा कर लो, ऊपर से काट दो। हाँ हाँ उतार दो इसके ऊपर से, चलो ऐसे। हाँ बिल्कुल निकाल दें फायदा इसको। ये तकरीबन इस मोल्ड के अंदर चार अंडों का स्पंज बना है फायदा, ठीक है। फायदा तीन से चार लेयर इसको काट लो यानी कि पहले ऊपर से काटो फिर दूसरे नंबर पे इस तरीके से काटो। हाँ हाँ बस ये दो ये ऐसे गैप करके, ठीक है। हाँ एक स्टेप हो गया, अब इसको उतार के यहाँ रखें, अब दूसरा स्टेप काटें। हाँ हाँ इतना ही, ठीक है फायदा जी। अब ये लास्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर लेयरिंग करें, पहले इसके ऊपर मिल्क ऐड करते हैं और फिर फ्रूट क्रीम वगैरह, जैसे लेयरिंग करते हैं वैसे लेयर करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप क्रीम डाल दो, फैला दें पूरे पे और फिर मिक्स फ्रूट डाल दें इसके ऊपर, ठीक है। सारी लेयर इसी तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के ऊपर क्रीम डाल के और दूध से इसको सोक करते हुए और फ्रूट डालना है, ठीक है। ओके और डालो फायदा, और डाल दो, और डाल दो, ठीक हो गया। अब ये स्टेप इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर भी। हाँ बिल्कुल सेम वही प्रोसेस होगा। अच्छा फायदा देखो, जब ये हो जाएगा लेयरिंग उसके बाद हमने हाथ से सेट करना है इसको, ठीक है। अगर हमें कहीं लगेगा कि स्पंज बढ़ रहा है तो हमने नाइफ से इस तरीके से इसको सीधा करना है, ठीक है। और अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो आपने स्पंज के साथ पहले नीचे बड़ा स्पंज फिर उसके ऊपर छोटा 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 इस तरीके से स्पंज की लेयरिंग काट के इस तरीके से हमने प्रॉपर डॉल बनाना है। इसका फ्रॉक है, ये डॉल इसके अंदर अभी लगेगी, ये फ्रॉक बना रहे हैं इसका हम, ठीक है। अब एक काम करो, ये पूरे के ऊपर ना क्रीम थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लगा दो, बिल्कुल लाइट सी। फायदा पूरे पे क्रीम कवर कर लो उसको बिल्कुल क्रीम से। अच्छा बहुत हल्की क्रीम लगानी है क्योंकि इसके बाद हम इसके ऊपर नोजल का यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ ऐसे घुमाती रहो पूरी, एकदम घुमा के ना ऐसे घुमाओ। हाँ ऐसे, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया माशाल्लाह आपने। अब हम इसको प्रॉपर इस तरीके से कवर करेंगे ताकि जब हम इसके ऊपर नोजल का यूज़ करेंगे ना तो वो बहुत ईजी हो। देखिए फायदा इसको ऊपर से भी हमने ऐसे प्रॉपर कवर कर लिया, ठीक है। अच्छा अब ये डॉल उठा के इसके बीच में लगा दो आप, बस ठीक है। इसको डॉल लगाने के बाद अब हम इसके अंदर दो कलर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा, पिंक और येलो। और निकालो और निकालो, इसको दो पिंक से ज़्यादा करेंगे, इसको भर देंगे पूरे फ्रॉक को और येलो का शेड देना है हमने। फायदा मिक्स कर लें इसको, मिक्स कर लें, चले फायदा इसको भी मिक्स कर लें। तीसरा कलर जो हम इस पर यूज़ करेंगे वो वाइट होगा, ठीक है। चले फायदा निकाल लें क्रीम, इसमें क्रीम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी क्रीम नरम हो ताकि जब हम इसके ऊपर ड्रॉप लगाएंगे तो टाइम लगेगा इसको बनने में। फायदा इस तरीके से आपने इस पर ड्रॉप लगाने, ठीक है, ऐसे दबाओ
थोड़ा सा दबाना है, क्रीम को निकालना है, ठीक है। हाँ, और ये काम जल्दी जल्दी करना होता है, ठीक है। देखो बहुत फर्क पड़ रहा है, कहीं आप कैसे एक जैसा ड्रॉप नहीं लग रहा, एक जैसा ड्रॉप। आप यहाँ से दोबारा ऊपर से लेकर आओ दोबारा, हाँ इसके साथ साथ, नहीं दबाना है फायदा उसको। कहीं ऊपर और कहीं नीचे हो रहा है, एक जैसा नहीं बन रहा, ठीक है। फायदा सही से नहीं दबा रही हो आप, इसको सही से दबाओ। और ये जो बीच में गैप आ रहा है ना, ये गैप नहीं आना चाहिए, एक साथ रख के नोजल को बिल्कुल साथ साथ रख के इसको दबाना है। दबाते हुए कहीं क्रीम ज़्यादा दबा रही हैं आप और कहीं क्रीम को कम दबा रही हैं, तभी ये ऊपर नीचे हो रहा है। वेरी गुड फायज़ा, बहुत अच्छे लगा रही हो माशाल्लाह, परफेक्ट। जब तक एंगल एक जैसा नहीं होगा तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम होगी, क्रीम कहीं ज़्यादा और कहीं कम निकलेगी। तो कोशिश करें कि एक जैसा दबाएं, इसको बराबर करके दबाना है नोज़ल को। देखो फायदा इस तरीके से ना, हमने येलो लगाना है इसके बाद। दो ड्रॉप लगाओ, दो लाइनें, ठीक है, दो लाइनें लगाओ, एक इस तरफ लगाओ, एक इस तरफ लगाओ, ये लो बिल्कुल साथ साथ, इसके साथ साथ, हाँ लाइन के साथ साथ रखें। वेरी गुड। अब फायदा हम इसके बीच में ना फॉन्डेंट वर्क करते हैं, और फायदा जो है वो फोका फॉन्डेंट इसको बेल लो पहले, बेलने के बाद फिर ये प्लंजर से ना इसके फ्लावर निकाल लो, और फिर इसके बीच में प्रॉपर फ्रॉक बना देते हैं इसको। हल्का सा कॉर्नफ्लोर डाल दो, अब बेलो इसको फायदा, बेलो फिर साफ़ कर लेंगे इसको जैसे रोटी बेलती हो आप। वेरी गुड, ठीक है फायदा, प्लंजर यूज़ करो, काटो इसको, यहाँ काटो, हाँ दबाओ ऊपर से, प्लंजर को ऐसे पुश करो, दबाते हुए हटाओ, हाँ इधर डालो, ठीक है। दूसरा फायदा ये देखो, इस तरीके से ना हमने अब ये फॉन्डेंट को इस तरीके से हमने लगाना है इसके ऊपर, ठीक है। अब आप ऐसे लगाओ इसको, फायदा ये बिल्कुल बारीक बारीक आपने इस पर ड्रॉप लगाने हैं, क्योंकि अब ये इसका फ्रंट है, बहुत बारीक ड्रॉप, छोटा नोजल यूज़ किया हमने इसके अंदर, ठीक है फायदा। वेरी गुड फायज़ा, बहुत ज़बरदस्त लगा रही हो माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, वेरी गुड। चलो फायज़ा, इसके ऊपर पहले कंट्रास्ट आउटलाइन जिसे हम कहते हैं ना, बाजू पर ऐसे घुमा के, हाँ बिल्कुल ठीक है, बस अब उस तरफ आओ, अब इसको फ्रंट पे कवर कर दो। जी मेंबर, फायदा कंप्लीट कर चुकी है डॉल केक, आप इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, छोटे छोटे स्टेप्स हैं उसको फॉलो करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करना ना भूलें। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा, और फायज़ा का समझ लें कि इस डॉल केक के अंदर जो प्रॉपर किरदार है ये भी बताइएगा कि इन्होंने ये काम कैसा किया है। इसी के साथ इजाज़त चाहिए, नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।